नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में मैं प्रशांत मावानी आप सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस के ऊपर नज़र डालेंगे तब आप पाएंगे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसमें बांग्लादेश का ये जो फिलहाल जो बांग्लादेश में इश्यू चल रहा है तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी के साथ साथ रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसमें एक्सटर्नल स्टेट की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में एक ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप शेयर नहीं करती है, तो अगर वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है बांग्लादेश की तो फिर इंडिया के लिए ये एक नई चुनौती हो सकती है। इसी के साथ साथ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, तो ये भी एक आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम सब जानते हैं, आई एम श्योर, कि बांग्लादेश जो है वो हमारा एक पड़ोसी देश है और इसी के साथ साथ बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इसमें आप सार्क ले सकते हैं, सार्क के साथ आप इसमें बिमस्टेक एक ग्रुप है, तो बिमस्टेक भी एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है क्योंकि बांग्लादेश और जो बांग्लादेश और भारत हैं ये दोनों सार्क और बिमस्टेक के मेंबर्स हैं। इसी के साथ साथ भारत जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट हासिल करना चाहता है तो इसके लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का बैकअप होना ज़रूरी है। और इसमें अगर हमारे ही रीजन के कंट्री, आप इस चीज़ को इसके साथ रिलेट करके देखिए कि कोई ऐसी पार्टी बांग्लादेश में पावर में आती है जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप शेयर नहीं करती है तो फिर ये सॉफ्ट पावर भी हमारा कम होगा, और जब हमारे रीजन में ही कई देश हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर दूसरे देशों के बारे में आप सोच सकते हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी पॉलिटिकल आउटकम होगा बांग्लादेश का आने वाले फ्यूचर में तो वो साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के पॉलिटिक्स के ऊपर भी इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो आज ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि फिलहाल हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15th February, राइट। और इसी के साथ वन मोर थिंग डियर फ्रेंड्स, के ये जो लेक्चर है इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको डिलीवर किया जाएगा, तो वे सारे स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को, इस डिस्कशन को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो फील फ्री, रेस्ट अश्योर्ड, आपको बहुत जल्द इसका इंग्लिश वर्जन भी देखने को मिलेगा। अब डियर फ्रेंड्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो बांग्लादेश की है उससे शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखिए 1971 से पहले का अगर आप मैप देखेंगे हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो आपको इसमें दो देश देखने को मिलेंगे, वन इज़ इंडिया एंड दूसरा जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो भाग थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा जो था वो था ईस्ट पाकिस्तान। अब ये जो अब हमें पता है कि 1971, अगर आपको नहीं पता है देन आई विल गिव यू अ ब्रीफ हाईलाइट ऑन दिस थिंग एज वेल कि 1971 के बाद क्या हुआ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि आज ये जो ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था 1971 के बाद, ये एक नया देश बना जिसका नाम हुआ बांग्लादेश, राइट। और ये जो बांग्लादेश है इसका कैपिटल है ढाका, और इंडिया के साथ सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है बांग्लादेश। हमें लगता है कि ये पाकिस्तान होगा या फिर चाइना, नो, क्योंकि ये बहुत ही जिगजैग है, तो इस कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। विद दिस डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ी और रोशनी डालते हुए देखिए जो तस्वीर में, जो तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है, इनको, इनका जो पेट नेम है वो है बंगा बंधु, इनका रियल नेम है मुजीबुर रहमान, और ये जो मुजीबुर रहमान है इसे बंगा बंधु द लिबरेटर भी कहते हैं क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ या फिर इसकी पूरी जो आज़ादी की जो एक स्ट्रगल थी तो इसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे
ये बंगा बंधु, और इन्होंने ही आवामी लीग नाम की एक पार्टी जिसे आज हम एएल के नाम से मींस एएल कहकर संबोधित करेंगे, तो एएल जो है आवामी लीग, उनकी स्थापना की। और भारत का जो रोल है, भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और तब से जो बंगा बंधु हैं ये जो मुजीबुर रहमान साहब हैं और उनकी ही बेटी है फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, तो वे मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं। और तब से आप कह सकते हैं कि जो आवामी लीग पार्टी है वो इंडिया के प्रति एक झुकाव वाली पार्टी है, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है भारत के साथ आवामी लीग पार्टी का, और बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी इंडिया को बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमने उनको आज़ादी दिलवाई, आज़ादी दिलवाने में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, राइट। तो दिस इज़ ए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट बांग्लादेश। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है ये किस व्यक्ति ने लिखा है, इसके बारे में अगर आपको पता है देन मेक श्योर, अगर नहीं भी पता है देन आई वुड रेकन के आप गूगल पे जाइए और फाइंड आउट कीजिए, और जब आपको आंसर मिल जाए प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने को मिलेगा। नाउ 1971 के बाद की जो सिचुएशन हुई, जब ये जो देश है नया देश बना बांग्लादेश, और तब से अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें तो बांग्लादेश में दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, एक है आवामी लीग जो शेख हसीना मैडम की है, और दूसरी जो पार्टी है वो है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो मेन लीडर हैं वो हैं बेगम खालिदा जिया, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये खालिदा जिया है, और बेसिकली 1991 के बाद से तो आप अल्टरनेटिवली रीजनेबल जनरली अल्टरनेशन में ही इन्होंने रूल किया है, कभी आवामी लीग तो कभी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र डालें, फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो खालिदा जिया मैडम हैं तो उनको वहाँ की कोर्ट ने, बांग्लादेश की एक स्पेशल ढाका कोर्ट ने उनको 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया है, और इनके ऊपर आरोप ये है कि ये एक करप्शन केस के साथ जुड़ी हुई है, और सिर्फ यही नहीं उनके साथ और 4 लोगों को इसमें गिल्टी फाइंड किया है कोर्ट ने, और इसमें इनके बेटे भी शामिल हैं, बेगम खालिदा जिया के जो बेटे हैं वे भी इस केस में शामिल हैं, उनके ऊपर भी कोर्ट ने मीन्स उनको भी कोर्ट ने सज़ा सुनवाई है, और जो टोटल केस है ये 2 करोड़ टाका जो है ये बांग्लादेश की करेंसी है, और करेंसी के ऊपर भी आप बंगा बंधु की तस्वीर को देख सकते हैं, तो ये रफली स्पीकिंग 0.25 मिलियन डॉलर होता है ये जो 2 करोड़ टाका है। और टाका जो है ये आपको इसलिए ध्यान में रखना, कई बार ऐसे MCQs भी पूछे जाते हैं, ये प्योर जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, और ज़्यादातर जो नेशनल लेवल की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, तब कई बार ऐसी जीके की चीज़ें भी छूट जाती है, और ऐसी जीके की चीज़ें जानना आई थिंक इंटरेस्टिंग भी होता है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, इसको भूल मत जाना। तो ये जो बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है ये वर्डिक्ट आया है, और इसी के साथ साथ जो बीएनपी पार्टी है जो जिया मैडम की जो पार्टी है तो उन्होंने ये बताया है कि ये इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने वाले हैं, और उन फिलहाल तो वे जेल में हैं, तो एक लीव भी फाइल करेंगे, बेल एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, और बेल के साथ साथ फिर एक फिर से कोर्ट इसके बारे में इस केस को सुने, इसके ऊपर फिर से एक अपील होगी, तो ये जो केस है ये थोड़ा लंबे टाइम तक चलने वाला है ऐसा हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो बीएनपी पार्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो भागदौड़ है या फिर इस बीएनपी पार्टी के जो चीफ है वो है खालिदा जिया, और जब इनके जो टॉप लीडर्स हैं अगर इनके अगेंस्ट में ऐसा कोई वर्डिक्ट आता है तो नेचुरली उनकी जो पार्टी की जो छवि है, उनकी जो इमेज है, तो ये सीवियरली अफेक्ट होगी, नो डाउट। और फिलहाल बांग्लादेश में क्लैशेस भी चल रहे हैं, ये जो आवामी लीग है एएल और बीएनपी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं तो इनके बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है, ये एक बहुत ही डेंजर सिनारियो है,
और ये जो बीएनपी पार्टी है ये भी पहले आप देख सकते हैं एज यू नो कि ये पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये मिस जिया, तो उनके टाइम पे ये हुआ था। बीएनपी पार्टी जब रूलिंग में थी तब उन्होंने उनका जो गवर्नेंस था वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल था, और 2001 से लेकर 6 के बीच में जब वो पावर में रहे तब ये ओपनली करप्ट भी, करप्शन जो था वो बहुत ही ओपन था, खुलेआम करप्शन हो रहा था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो लोगो आप अपनी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये एक एनजीओ है, दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से करप्शन क्या चीज़ें चल रही है तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट्स निकालती है। ये इनका एक आप कह सकते हैं इनकी टैगलाइन भी है, द ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट करप्शन। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कंटिन्यूसली 5 साल तक बांग्लादेश को मोस्ट करप्ट कंट्री घोषित किया था, जो इसकी लेडर है इसमें टॉप था, करप्शन की लेडर में बांग्लादेश नंबर 1 कंट्री था। तो नेचुरली इनकी इमेज के लिए ये एक बहुत ही बुरी चीज़ थी बांग्लादेश एज ए कंट्री के लिए। और 2001 से 6 के बीच की ये बात है तो बीएनपी पार्टी भी जो है उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी थी, नॉट ओनली इन बांग्लादेश लेकिन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली जो हिंदूज़ हैं, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे वायलेंस के केसेस भी देखने को मिले थे, और इंडिया इससे नेचुरली काफ़ी नाराज़ भी था, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था। और ये करप्शन है या फिर माइनॉरिटी को जिस तरीके से कुचला गया, और आप अब जानते हैं कि जो ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट पाकिस्तान कहें आप, पहले का वेस्ट पाकिस्तान या फिर बाद का बांग्लादेश, तो ये इंडिया का ही एक पार्ट था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं भारत की हिस्ट्री, आई एम श्योर आप अपनी एग्ज़ाम के लिए जब इसकी पढ़ाई करेंगे तब आप पाएंगे कि बहुत सारे जो एरिया से ढाका का नाम आप कई बार आपको सुनने को मिलेगा, मिडिवल हिस्ट्री में या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसका नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई हुई तो एक टाइम पे ये एक ही देश के लोग थे, तो वी वेर अगेंस्ट वन सिस्टम। तो हमारी जो हमारा जो कल्चर है भारत का और बांग्लादेश का वो मोर लाइकली सिमिलर है। इसी के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे हिंदूज़, ये प्रीडोमिनेंटली एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन हिंदूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं, तो दूसरी भी माइनॉरिटीज़ बुद्धिस्ट हैं, तो ये अलग अलग डाइवर्सिटी आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है। तो हिंदूज़ के प्रति ये सारी चीज़ें हो रही थी, और सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ें सीमित नहीं थी, जो ओपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी तो उसमें भी AL जो आवामी लीग के 2 सीनियर लीडर्स थे तो उनका भी एसासिनेशन हुआ था, और इसी के साथ साथ एक ग्रेनेड अटैक भी हुआ था एक AL की मीटिंग के ऊपर, और इसमें 24 लोग मारे गए और नियरली 300 जितने लोग जो हैं वो घायल भी हुए, इंजर्ड हुए। और सबसे आप कहें शॉकिंग चीज़ ये थी कि फ़िलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, तो वो भी बहुत ही बाल बाल बच गई थी इस अटैक में। और इस अटैक के पीछे जो मिस जिया है, जो उनके बेटे हैं जिनके ऊपर फ़िलहाल ये केस चल भी रहा है, और ये जो वर्डिक्ट आया है लेटेस्ट वर्डिक्ट, तो उसमें करप्शन केस में इनके जो बेटे हैं मिस जिया के, तो उनको दोषी भी पाया गया है और दूसरे केसेस भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से BNP जो है इनकी रेप्यूटेशन बहुत ही ख़राब हो गई, और वायोलेंस जो है, इस तरीके की हिंसा है, इस तरीके की माइनॉरिटीज़ के सामने, अगर माइनॉरिटी के अगेंस्ट में किसी भी डेमोक्रेसी में, राइट, माइनॉरिटी के अगेंस्ट में ऐसी चीज़ें जब भी चलती है तो ये उस देश के लिए या फिर उसके उनकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को जाने, अच्छी तरीके से जाने और समझे, तब आप पाएंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप ये होता है कि जो माइनॉरिटी है किसी भी देश में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पारसीज हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, तो ये सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। तो अगर वो भी, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अगर वो डेमोक्रेसी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में चीज़ें चलती है, अगर गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो फिर हम उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, राइट, या फिर उस पर्टिकुलर फेज को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो सेम थिंग अप्लाइज टू बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो उनकी
छवि बिगड़ गई और ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी के विरुद्ध में हैं। और बाद में 2007 में ये हुआ कि देखिए बांग्लादेश में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, और आप किसी भी देश के ऊपर नज़र डालेंगे, ख़ास करके भारत, इसमें आप कह सकते हैं भारत को आप इसमें छोड़ सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों में ये एक फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जब भी डेमोक्रेसी आई है और जब ट्रांजिशन फेज में होती है डेमोक्रेसी, यानी कि धीरे धीरे मैच्योर होती है डेमोक्रेसी, तब कई बार मिलिट्री रूल भी हमें देखने को मिलते हैं। और सेम थिंग हुआ बांग्लादेश में भी, 2007 में एक मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट आई, और उसके बाद से ये चीज़ हुई कि फिर इलेक्शंस हुए 2008 में, और जो पार्टी ओपोजिशन में थी AL, इस इलेक्शन में इन्हें 2008 के इलेक्शन में उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री मिली आवामी लीग को, और तब से ही BNP जो हैं उसकी जो पोजीशन है वो डाउन होती गई, उनकी रेपुटेशन के साथ साथ उनकी जो जो शक्ति है या ताकत है वो भी कम होती गई। आज हम 2018 में हैं और आप समझ सकते हैं 2008 से लेकर 2018 तक ये जो BNP है ये पावर के बाहर रही है, तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ों में ये वीक भी हो गई है। और जब AL यानी कि आवामी लीग पार्टी में आई, तब से वो धीरे धीरे स्ट्रोंग बनती गई, उन्होंने वे सारे कदम उठाए जिससे कि वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गए बांग्लादेश में। और एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो रेपुटेशन है वो इस कंटेक्स्ट में बहुत ख़राब है कि जो ओपोजिशन है, राइट, तो उनके प्रति जो रूलिंग पार्टी है उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा बहुत ही सख्त रहता है, राइट, तो ये भी एक चीज़ है। ये चाहे AL हो या BNP हो, ये दोनों पार्टीज़ ये चीज़ करती आ रही है, जो अगेन एक ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी की साइन बिल्कुल नहीं है। अब जब ये चीज़ें हुई, जब AL पार्टी में आई, तब 5 साल ख़त्म हुए और 2013 में फिर से इलेक्शंस होने वाले थे, और इसी के पहले के टाइम पे अगर हम नज़र डालें तो आवामी लीग पार्टी ने, रूलिंग गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। ये जो अमेंडमेंट था ये बेसिकली ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो 2007 में हमने जो बात की, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। इसमें ये होता था कि मिलिट्री जो है ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, और इसमें सबसे बड़ा जो भय था वो ये था कि कई बार ऐसे ट्रांजिशन पीरियड में अगर चीज़ें अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलती है तो फिर आपको ये मिलिट्री रूल या फिर मिलिट्री टेक ओवर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए AL ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और इसी अमेंडमेंट से जो BNP पार्टी है वो नाराज़ हुई, उन्होंने एक इसे बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, और उन्होंने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि जब तक ये चीज़ों को अमेंड नहीं किया जाता या फिर चीज़ों को रिस्टोर नहीं किया जाता, जब जो पहले की सिचुएशन थी, पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है या फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसको मिलिट्री सपोर्ट करती है, बाय टाइम ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम की बात है, राइट, एक छोटा सा जब पीरियड होता है तब की बात है, तो ये उनके लिए एक BNP के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया, और उन्होंने कहा कि रिस्टोर कीजिए इस चीज़ों को वरना हम इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। तो ये एक उन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और ये एक प्री कंडीशन रखी उन्होंने, और देखने को ये मिला कि ये जो प्रोटेस्ट था ये एक बहुत ही वायोलेंट प्रोटेस्ट बन गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई इसमें, और फिर फाइनली उन्होंने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया। एंड 2014 में जब इलेक्शन आया, राइट, और इस वायोलेंस से इस BNP पार्टी की ऑफ कोर्स और ज़्यादा छवि जो है ख़राब हुई। एक टाइम ऐसा भी था, ओपिनियन पोल्स ये भी बता रहे थे कि अगर BNP पार्टी जो है वो रोल प्ले करती या फिर अगर इलेक्शंस में पार्ट लेती तो शायद हो सकता था कि वो जीत भी जाए, क्योंकि AL का जो रूल था 2007 से लेकर 2008 से लेकर 2013 में, तो इन्होंने भी थोड़े बहुत करप्शंस किए, तो इनकी भी छवि थोड़ी ख़राब थी, तो BNP उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी, और इस वायलेंस से और चीज़ें बिगड़ गई, और उन्होंने बॉयकॉट किया इस इलेक्शन को, और फिर AL पार्टी की फिर से एक मैसिव विक्ट्री हुई। और इसमें और एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और वो ये है कि
वोटर का जो टर्नआउट था वो बहुत ही कम था, रिकॉर्ड लो था, और इसी के साथ साथ आधे से भी ज़्यादा जो पार्लियामेंट की सीट्स थी वो अनकंटेस्टेड रही, यानी कि वहाँ पर कोई ओपोजिशन का कंटेंस, जो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जिसे हमें कहते हैं, जो बीएनपी है, तो उनके कोई कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े किए थे, तो एएल पार्टी जीत गई। और बीएनपी जो हैं ये इस विक्ट्री को मानती नहीं है, लेकिन टेक्निकली चीज़ें चल रही थी तो टेक्निकली एएल जो हैं वो जीत गई और बीएनपी और ज़्यादा वीक होती गई। इसी के साथ और एक चीज़ है कि आने वाले इलेक्शंस में अगर यही सिचुएशन रही तो फिर ये जो बाई पार्टी डिकोटोमी है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको एक दो पार्टी चाहिए, एक रूलिंग और ओपोजिशन, तो अगर ओपोजिशन नहीं है तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात डेफिनेटली नहीं है। अब इस ये जो वर्डिक्ट आया है, 5 साल की जो जेल की सज़ा सुनवाई है मिस जिया को, तो इनके ऊपर भी ऑफकोर्स बीएनपी पार्टी जो हैं उनका ये कहना है कि बहुत ही लंबे टाइम से ये रूलिंग पार्टी बता रही थी कि एक ना एक दिन मिस जिया को जेल में वो लोग डाल देंगे, तो यही उन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि ये एक अलायंस है, ये एक मिलीजुली है जुडिशियरी की और गवर्नमेंट के बीच में, और इसी मिलीजुली से इनको जेल की सज़ा सुनवाई गई है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऐसी जब भी सिचुएशन होती है राइट, तब एक सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जिस लीडर को जेल में भेजा जाता है तो उनके प्रति एक सॉफ्ट छवि उनकी तैयार हो, या फिर ये कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सारे हिस्ट्री के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस आपको मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि शायद लोग गलत भी हो सकते हैं लेकिन जब वो जेल में भेजे जाते हैं तो रिसेंटली लालू प्रसाद भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं करंट एग्जाम्पल है हमारे सामने। कई केसेस में कई करप्शन केसेस में उनको दोषी पाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं बिहार के, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते राइट, ये हॉस्पिटल, स्कूल्स, चैरिटी में पैसे देना, तो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो फिर ये जो बातें हैं ये फैलती है और बातों के ऊपर और ज़्यादा मिथ को पिरोसा जाता है, और फिर ये एक आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड जो नहीं कहते कि एक बहुत ही ग्रैंड छवि इनकी खड़ी हो जाती है। तो शायद ये भी हो सकता है कि बीएनपी आने वाले टाइम में बीएनपी के जो ये लीडर हैं तो इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मिले। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एएल पार्टी जो है ये बता रही है कि ये इवेंचुअली जस्टिस जो हैं ये डिलीवर हुआ है और ये न्याय जो है लोगों को मिला है एक्सेट्रा, तो ये ऑफकोर्स ओपोजिशन के व्यूज़ तो यही रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम इम्पार्शियल व्यू के ऊपर नज़र डालें तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं बांग्लादेश के, तो उनका ये कहना है कि ये जो अपील करने वाले हैं इस अपील का कोई फेवरेबल आउटकम नहीं आने वाला है। और इसके साथ जो दूसरे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं लो के, उनका ये कहना है कि इस वर्डिक्ट का इलेक्शन के पहले आना भी बहुत सारे क्वेश्चंस को राइज करता है। इसी के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये जो अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के बाद ये सॉफ्ट कॉर्नर मीन्स अमेंडमेंट के बाद जिस तरीके से ये एक नई मुहिम छेड़ी गई बाय बीएनपी कि ये सारी चीज़ें गलत है एक्सेट्रा, तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज अल्टरनेटिव पावर में रहती है तो एक दूसरे के सामने ओपोजिशन मीन्स ऑपरेशन करती रहती है, इस बांग्लादेश का ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है। तो ये चीज़ें हैं और जो इम्पार्शियल व्यू हैं तो उनका कहना है कि मीन्स आप एंड ऑफ द डे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पार्टीज़ जो हैं ये दूध की धुली हुई है राइट, दोनों ने अपने अपने टाइम पर गलत काम किए हैं, और फिलहाल जो गवर्नमेंट है एएल जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है तो उनको पता है कि उनकी जो छवि है ये करप्शन उनके टेनियर में भी चल रहा है, सारी चीज़ें इतनी क्लीन नहीं हो रही है, तो इससे उनकी पार्टी कि आने वाले 2019 इलेक्शन में हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बीएनपी पार्टी जो हैं वो जीत सकती है या फिर कोएलिशन करने की एक नौबत आए तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी ये चीज़ें की गई हो ऐसा भी हो सकता है।
इसी के साथ फ्यूचर की अगर हम बात करें कि भविष्य इसका क्या होगा, और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि ये स्पेशल लीव दाखिल की जाएगी, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, अगर इनके जो मेन लीडर्स हैं बीएनपी के, वो जेल के पीछे हैं, और एएल जो हैं ये फिर से 2019 में 2014 की तरह ही इलेक्शंस कंडक्ट करती है और फिर से पावर में आती है, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी इनके ऊपर बढ़ सकता है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एएल जो हैं, जो आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका एक लगाव है, झुकाव है, तो इंडिया नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे या इनके ऊपर इनकी जो छवि है वो ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एएल जो पार्टी है फिलहाल, अगर जो बीएनपी पार्टी है उनके लीडर, अगर उनको बेल भी मिल जाती है, अगर वो इलेक्शन को कंटेस्ट भी करते हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये रहेगा कि उनकी अब छवि जो है वो थोड़ी बिगड़ चुकी है, वायलेंस और करप्शन और ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है। और अब हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच, देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन इसी के साथ आई मस्ट ऐड कि बीएनपी को आप कंप्लीटली राइट ऑफ या इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक जो सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने आपको बात की, सॉफ्ट कॉर्नर, नॉट सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में बात की कि इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और अगर हम इंडिया के नज़दीक के कंट्रीज़ के ऊपर नज़र डालें तो हमें पता है कि मालदीव्स जो हैं, मालदीव्स में चीज़ें पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हैं, इमरजेंसी लगाई गई थी। नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो बेबी स्टेप ले रही है। म्यांमार में जो रोहिंग्यास हैं तो इनका इश्यू चल रहा है, तो ये एक चीज़ है। पाकिस्तान के बारे में तो क्या कहना, और अफ़गानिस्तान जो है उसमें भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं साउथ एशिया में, या फिर सार्क के मेंबर्स, या फिर ये जो बिमस्टेक के मेंबर्स हैं, तो उसमें भी थोड़े बहुत पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स होप के ऐसी गवर्नमेंट आए जो इंडिया को अपना दोस्त मानकर चल रही हो। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि भले वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हों, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा साउथ एशिया है तो उसमें भी एक डेमोक्रेसी आए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आज बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी। प्लीज़ चेकआउट studyiq.com, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे हमारे पेंटावेंट टेबलेट कोर्सेज के बारे में। और दैट्स एवरीथिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। अगर आपने चीज़ों को सीखा है, कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली, देन प्लीज़ डू गिव अस योर लाइक और पास योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपके जो आंसर्स हैं इनका इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक टिप के तौर पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये किस देश में है, इसके आंसर को भी लिखना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू ऑल सून। एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद। गुड बाई।